नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अब साफ कर दिया है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए ई केवाईसी करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। जी हां, उन्होंने ये जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने एक पत्र दिया था, जिस पत्र के जरिए उन्होंने कहा था कि ई केवाईसी जरूरी है, लेकिन इससे संबंधित गैस एजेंसियों पर करने की जरूरत से नियमित एलपीजी कस्टमर को परेशानी होती है। जिस पर हरदीप सिंह पुरी ने जवाब देते हुए कहा कि फर्जी खातों को ख़त्म करने और कमर्शियल गैस सिलेंडर की फर्जी बुकिंग को रोकने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी कस्टमर के लिए ई केवाईसी को लागू कर रही है। हालांकि पुरी ने साफ किया कि ई केवाईसी का प्रोसेस पिछले 8 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है और इसका मकसद केवल ये तय करना है कि असली कस्टमर को ही एलपीजी सर्विस प्राप्त हो। तो वह इस प्रोसेस के बारे में बताते हुए आगे उन्होंने जानकारी दी कि एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के समय ही गैस एजेंसियां का कर्मचारी ग्राहक के दस्तावेजों का सत्यापन करता है, जिसमें सिलेंडर की डिलीवरी करने वाला शख्स अपने मोबाइल के जरिए एक ऐप के माध्यम से ग्राहक के आधार क्रेडेंशियल्स को कैप्चर करता है और इस पूरी प्रोसेस में कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, जिसका यूज़ करके प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है। यही नहीं, ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन है कि कस्टमर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऐप को इंस्टॉल करके अपना EKYC प्रोसेस खुद भी पूरा कर सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN News। धन्यवाद।